Hi friends, this is Akshay Vishwakarma and once again I'm back and I welcome you all to the educational videos of Exam Guruji. तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे parts of speech ही हमारा चल रहा है और आज हम लोग कुछ uses देखेंगे, कुछ important adjectives हैं जो कि exam के अंदर अक्सर आ जाते हैं. तो चलिए start करते हैं. Correct use of some important adjectives. Some और any. देखिए सम और एनी का जो मतलब होता है कोई कुछ या थोड़ा. सेंटेंस के अंदर हमारा इनसे मीनिंग जो निकलता है कोई कुछ या थोड़ा होता है. इन्हें हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों को ही हम काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सम का यूज करना है. हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज नहीं कर सकते. जैसे आई हैव सम मिल्क, अब ये अनकाउंटेबल के साथ में यूज हुआ है सम, ठीक है. सो मेरे पास में कुछ मिल्क है या थोड़ा मिल्क है. वी हैव सम मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है. देखिए हम लोग मनी को वन मनी या टू मनी, एक मनी या दो मनी ऐसा करके काउंट नहीं करते, लेकिन हम लोग रुपीस को काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉलर्स को काउंट कर सकते हैं. तो ये एक मेजरमेंट हो गई मनी को काउंट करने की, ठीक है. लेकिन मनी जो है वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है. तो मनी के साथ में भी हम लोग सम का यूज करेंगे. दे हैव सम पेंस, यहां पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सम का यूज करना है, ठीक है. तो यहां पे ये भी हमारा सेंटेंस एकदम सही है. अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे. जैसे आई डोंट हैव एनी मिल्क, वी डोंट हैव एनी मनी एंड दे डोंट हैव एनी पेंस. यहां पे देखा हम लोग कि डोंट लगा हुआ है, यहां भी डोंट है और यहां भी डोंट है, यानी कि ये हमारे सभी सेंटेंस जो है नेगेटिव है. तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करेंगे. अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम और एनी दोनों का ही यूज कर सकते हैं. देखिए जैसे कि हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं या थोड़े पैसे हैं. डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है. लेकिन जब हम किसी को कुछ ऑफर करेंगे या किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग सिर्फ सम का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे. विल यू गिव मी सम कॉफी, अब यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि आप मुझे कुछ कॉफी दे सकते हैं या थोड़ी कॉफी दे सकते हैं. कुड यू गिव मी सम वाटर, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं, ठीक है. तो यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा है वो, ठीक है. और आप ऐसे भी कह सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे, तो वहां पे ऑफर हो जाएगा, ठीक है. तो ऑफर और रिक्वेस्ट की कंडीशन में हम लोग सम का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अदरवाइज हम लोग एनी का यूज करेंगे, ठीक है. तो यहां पे हो गया हमारा सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा, एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग एनी और सम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सम का जो है वो ऑफर और रिक्वेस्ट की कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे. चलिए अगला देखते हैं मच एंड मेनी. दोनों का ही मतलब जो है, मच मतलब बहुत और मेनी यानी कि कई, क्योंकि मेनी काउंटेबल्स के साथ में यूज होता है तो वो कई कहेंगे हम लोग, और मच यानी कि बहुत. मच को हम लोग अनकाउंटेबल नाउंस के साथ में यूज करते हैं. देखिए हाउ मच वाटर इज देयर इन द जार, तो मच जो है यहां पे यूज हुआ है वाटर के लिए क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, जार में कितना पानी है. तो हाउ मच से जब हम पूछेंगे तो वो होगा कितना, क्योंकि हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते. और हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई हैं, ब्रदर्स. अब ये काउंटेबल हो गया, तो मेनी के बाद में जब नाउन आएगा तो अगर वो काउंटेबल है तो हमें उसे प्लूरल रखना होगा, ठीक है. हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तो तुम्हारे कितने भाई हैं. मेनी मैन वर किल्ड, तो कई सारे आदमी मारे गए, कई लोग मारे गए. तो यहां पे मैन का हमने प्लूरल किया, देखिए हमने देखा था सिंगुलर प्रयोग करते टाइम कि मेन का प्लूरल एम एन, मैन का प्लूरल एम ई एन मैन होता है, यानी कि कई आदमी, ठीक है. मेनी अ मैन वॉज किल्ड, अब देखिए ये कंडीशन यहां पे आ गई है कि अगर आप मेनी के बाद में ए का यूज कर ले, मेनी अ मैन या कुछ भी यहाँ पे दूसरा नाउन हो सकता है काउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन होगा. मेनी का यूज हम लोग काउंटेबल के साथ ही करते हैं, तो अगर आप उसके पहले ए या एन का यूज कर रहे हैं तो फिर हमें इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी वॉज यानी कि सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है. मेनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो कई स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्किंग है. अब क्योंकि मेनी आया फिर यहाँ पे प्लूरल आएगा नाउन और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है. चलिए लिटिल
नहीं के बराबर यानी कि नगण्य मात्रा, जिसको बिल्कुल नेगलेक्ट आप कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि बिल्कुल है ही नहीं वो। इसी कंडीशन में हम लोग लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि एकदम नहीं के बराबर। तो इसके अंदर तीन तरीके से यूज होता है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं फिलहाल लिटिल। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास में थोड़े पैसे हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर पैसे हैं, जिससे कि कुछ नहीं हो सकता है, किसी काम के नहीं है वो, बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे। देर इज लिटिल वाटर इन द जग, तो जग में बिल्कुल ना के बराबर पानी है, बहुत ही कम पानी है, ठीक है। अ लिटिल, अब देखिए लिटिल के साथ में अगर आपने ए को ऐड कर दिया, अ लिटिल जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब निकलेगा थोड़ा कुछ, या फिर काम चलने लायक, जिससे आपका थोड़ा काम चल सकता है, ठीक है, जिसे आप किसी काम में ले सकते हैं। इसलिए यहां पे अ लिटिल ऐसे कंडीशन के अंदर आएगा। आई हैव अ लिटिल मनी। अब देखिए इससे जो है यहां पे नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर, तो नेगेटिव सेंस होता था, ठीक है, कि किसी काम का नहीं है वो, एकदम ना के बराबर है। लेकिन जब अ लिटिल हो जाएगा तो ये पॉजिटिव सेंस यहां पे आएगा, कि हाँ एक उम्मीद है कि हाँ इससे कुछ हो जाएगा, थोड़ा है जिससे कुछ काम चल जाएगा, ठीक है। आई हैव अ लिटिल मनी, तो मेरे पास में थोड़े पैसे हैं जिनसे कि कुछ हो सकता है, ठीक है। और देयर इज अ लिटिल वाटर भी आप कर सकते हैं, द जग, कि हाँ थोड़ा पानी है जिसे कि हम लोग पी सकते हैं, थोड़ा हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। द लिटिल, अब द लिटिल जो है, जो भी थोड़ा है वो पूरा का पूरा है, यानी कि दा जब आप यूज कर लेंगे लिटिल के साथ में, तो जितना भी थोड़ा है उस पूरे की बात यहां पे होगी, ठीक है। अब यहां पे आप इसको अफर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस के साथ में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां आपने दा लिटिल का यूज कर दिया, मतलब वहां पे जो नाउन है उस पूरे की बात हो रही है, बिल्कुल भी वहां पे बचेगा नहीं, ठीक है। आई ड्रिंक द लिटिल वाटर आई हैड, तो मेरे पास में जो भी थोड़ा पानी था, द लिटिल वाटर आई हैड, वो पूरा मैं पी गया। दे स्पेंड द लिटिल मनी दे हैड, यानी कि उनके पास में जो भी थोड़े पैसे थे वो उन्होंने खर्च कर दिए। दे हैड मतलब उनके पास थे, दे स्पेंड उन्होंने खर्च कर दिए, जो भी थोड़े पैसे उनके पास थे। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस के अंदर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए, यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ये जो है वो काउंटेबल्स के साथ में यूज होगा, ठीक है। हमने जो अभी देखा था लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इन्हें हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे। ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, बिल्कुल देख सकते हैं आप, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, यहाँ पे अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन फ्यू का यूज जो है हम लोग करेंगे वो होगा काउंटेबल्स के साथ में, काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। आई सोल्ड फ्यू पेन्स, मैंने कुछ पेन बेचे। देखिए यहां से भी वही सेंस होगा जैसे हमने पिछला किया था। फ्यू का जब हम यूज करेंगे तो ये नेगेटिव सेंस होगा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अ फ्यू मतलब थोड़ा, और द फ्यू मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो पूरा, ठीक है। लेकिन ये अकाउंटेबल के लिए होगा यूज, ठीक है। आई सोल्ड फ्यू पेन्स, मैंने कुछ पेन बेचे, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही पेन बेचे, ठीक है। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, कुछ किताबें हैं। आई हैव सोल्ड अ फ्यू पेन्स, यानी कि मैंने थोड़े पेन बेचे हैं, कुछ पेन बेचे हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स, यानी कि मेरे पास थोड़ी बुक्स हैं, मतलब जिन्हें, जो कि किसी काम में आ सकती हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास कुछ किताबें हैं, लेकिन जब मैं कहूंगा आई हैव फ्यू बुक्स, यानी कि आप पास में बिल्कुल ना के बराबर बुक्स हैं, ठीक है। आई सोल्ड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो मेरे पास जो भी थोड़ी बुक्स थी उन्हें मैंने क्या किया, बेच दिया। अब यहां पे बुक्स जो है वही काउंटेबल हो गई, ठीक है। चलिए अगला है ऑल, यानी कि सब, या सबके सब, या फिर सभी। इन्हें हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है ऑल का, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, तो सभी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे। अब ऑल के बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल हम लोग को यूज करना, अगर वो काउंटेबल है तो हमें उसे प्लूरल करना पड़ेगा, अगर अनकाउंटेबल है तो वो तो प्लूरल होता ही नहीं, वो तो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, अब यहाँ पे ये प्लूरल था इसलिए हेल्पिंग ऑफ वर आएगी। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, तो सभी पैसे जो थे वो पूरे पैसे खर्च हो चुके हैं, ठीक है। होल यानी कि पूरा का पूरा। अब देखिए ऑल का मतलब होता है सब या सबके सब, इन्हें आप प्लूरल के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल का मतलब सब, लेकिन होल जो है वो पूरे की बात हो रही है, पूरे एक की बात होगी, मतलब जो भी पूरे की बात हो रही है वो पूरा का पूरा एक, उसमें सभी पार्ट उसके इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हॉल ऑफ, और हॉल ऑफ का यूज भी आप कर सकते हैं। हॉल ऑफ का यूज होगा प्रॉपर नाउन, अब हमने नाउन पढ़ा है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। जब एक ही तरह के बहुत सारे लोगों को आप जिससे डिनोट कर सकते हैं वो कॉमन नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन जो कि एक तरीके का अकेला ही होगा, ठीक है।
तो हॉल ऑफ, जब प्रॉपर नाउन का यूज करना है तो हॉल ऑफ यूज करेंगे, और कॉमन नाउन है तो हॉल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द होल कंट्री इज सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे जो पूरी कंट्री है, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री, वो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने होल का यूज किया, यानी कि पूरी कंट्री। अब एक कंट्री की बात हो रही है, पूरी एक कंट्री, लेकिन उसके सभी पार्ट में वो चीज सेलिब्रेट हो रही है, द होल ऑफ इंडिया। अब कंट्री जो था वो कॉमन नाउन था, इसलिए हमने होल का यूज किया, लेकिन जब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो जब प्रॉपर नाउन की बात होगी तो हम लोग हॉल ऑफ का यूज करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे हॉल ऑफ का यूज किया है। हॉल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। द होल सिटी इज क्लीन, पूरी जो सिटी है वो क्लीन है। द हॉल ऑफ इंदौर इज क्लीन, तो पूरा इंदौर क्लीन है। अब यहां पे कॉमन नाउन था सिटी, तो हमने सिर्फ हॉल लिखा है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन आया तो हमने हॉल ऑफ का यूज किया। हर हॉल बॉडी वॉज कवर्ड, उसकी पूरी बॉडी कवर की हुई थी, ढकी हुई थी। चलिए अब यूज होता है ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी का मतलब हर एक या प्रत्येक होता है, जिन्हें कि हम लोग सिर्फ काउंटेबल के लिए यूज करेंगे, इनका यूज अनकाउंटेबल के लिए नहीं होगा। ईच बॉय हैज अ बैट, हर लड़के के पास में या प्रत्येक लड़के के पास में एक बैट है। ईच ऑफ द टू बॉयज हैज अ बैट, तो दो लड़कों में से हर एक लड़के के पास में एक बैट है। देखिए ईच एंड एवरी में जो मेन डिफरेंस होता है, ईच का यूज हम लोग दो लोगों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज दो लोगों के लिए नहीं होगा। इनका यूज हम लोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए करते हैं दोनों का, लेकिन ईच की जब बात होगी, जब हम कहेंगे ईच, तो हम लोग इसे दो लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज हम लोग दो लोगों के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, दो लोगों के लिए अगर इसका यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन हम लोग ईच का यूज दो के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बैट, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ, ईच ऑफ द टू बॉयज। अब यहाँ पे हमने टू का यूज कर लिया, क्योंकि हमने कहा कि ईच का यूज आप दो के लिए कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बैट। देखिए ईच के बाद में जब नाउन आता है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन जब हमने ईच के बाद में ऑफ का यूज किया तो हमें नाउन को प्लूरल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टू बॉयज हो गया था यहाँ पे, और ये ईच ऑफ द बॉयज, अब टू नहीं भी लिखा लेकिन फिर भी हमें इसको बॉयज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ईच के बाद हमने क्या कर लिया, ऑफ का यूज हो गया, इसलिए इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल हमें करना पड़ेगा। एवरी एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, इस क्लास का हर एक स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है। अब देखिए यहाँ पे एवरी, हर एक प्रत्येक की बात होगी, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसके लिए सिंगुलर ही यूज होगी, यहाँ पे भी सिंगुलर यूज होगी। अब यहाँ पे जो नाउन था वो प्लूरल हो गया था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आई, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो हमारे ईच के अकॉर्डिंग लगी है, जो कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगी। सेम यहाँ पे हुआ है, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, एवरी ऑफ द टू स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब दो स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है एवरी का यूज आप दो के साथ में नहीं कर सकते, इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि ईच का यूज हम लोग कर सकते हैं दो के लिए, लेकिन एवरी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूज ऑफ ईदर एंड नीदर, दोनों का यूज हम लोग काउंटेबल के लिए करेंगे। इधर दो में से कोई एक, जब दो में से किसी एक चॉइस की बात होगी तो हम लोग इधर का यूज करेंगे। इधर बॉय इज योर ब्रदर, तो दो में से कोई भी एक लड़का जो है वो तुम्हारा भाई है। देखिए यहाँ पे ऑफ द टू भले ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग दो ही मानेंगे, क्योंकि इधर का यूज दो के लिए ही होता है, दो में से एक के लिए। ठीक है, इधर बॉय इज योर ब्रदर, तो दोनों में से कोई एक लड़का जो है वो तुम्हारा भाई है, या तो ये या फिर ये वाला। ठीक है, ईदर ऑफ द बॉयज इज योर ब्रदर, तो अब जब ईदर के बाद में फिर वही ऑफ आ गया, तो हमें जो है बॉय को प्लूरल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा बॉयज, और इज योर ब्रदर, इस जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि हम लोग वो ईदर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। ठीक है, नीदर दोनों में से एक भी नहीं, ईदर यानी कि दोनों में से एक की बात होगी, और नीदर यानी कि दोनों में से एक भी नहीं की बात होगी। नीदर बॉय इज सिक, तो दोनों में से कोई भी लड़का जो है वो बीमार नहीं है। नीदर ऑफ द बॉयज इज सिक, तो दोनों में से कोई भी लड़का जो है वो बीमार नहीं है, दोनों में से सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे हमने नीदर के बाद में ऑफ का यूज कर लिया, तो हमें इसको प्लूरल करना पड़ेगा। देखिए ऊपर भी ऑफ आया था तो बॉय को प्लूरल किया, यहाँ पे ऑफ है तो हमने बॉय को प्लूरल कर दिया। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू गाइस, एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.